हेलो हेलो, नमस्कार। मिथिला मंचूरी में आपका स्वागत है। मैं मनोज, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जिन्हें आप लगातार हमेशा देखते रहे हैं, दरभंगा नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। आधिकारिक तौर पर इस बार दरभंगा नगर निगम में सदन में बैठेंगे, वहां विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे। जो अच्छा काम करेगा इस बार सब देख रहे हैं आप ही पर। क्या करेंगे इस बार? पिछले बार को तो निलंबित करवा दिए, इस बार क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं कराए थे। हम तो उद्देश्यों पर आधारित जो था, जो इस बार अच्छा शहर बनेगा उसमें सहयोग करेंगे। अच्छा, आपके सब तो प्रोजेक्ट होगा, आप जब भी वार्ड 21 हो या पहले प्रोजेक्ट बना के काम करते थे, तो कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा होगा? क्योंकि आपकी बात को हमें नहीं लगता है कि मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या कैबिनेट हो, वो इनकार करेगा। वो जानते हैं कि नवीन जी के पास कोई प्रोजेक्ट, आप कौन सा प्रोजेक्ट होगा दरभंगा शहर के विकास? विकासशील और सौहार्दपूर्ण शहर और सुंदर शहर, परिकल्पना तो यही रहती है, आपकी भी हमारी भी। कभी आप सफल होते हैं, कभी हम सफल होते हैं। आपकी भी परिकल्पना क्या है, यही है। मीडिया से आप भी हैं, हम भी हैं, और आपने भी बहुत मेहनत किया, इसमें एक अलग पहचान बनाई मिथिला न्यूज की। मिथिलांचल न्यूज ने बहुत अच्छा पारदर्शी तरीके से बातों को जनता के सामने रखा। इस बार सदन में आप बैठेंगे, और पहले आप बैठाते थे, देखते थे और बहुत बात को आप रखते थे, क्योंकि बहुत पार्षद ऐसे हैं 70% जिनको जानकारी भी नहीं होती थी कौन सा योजना पर बोलना है, कौन सा योजना पर नहीं बोलना है। जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो प्रोसीडिंग्स पहले नहीं दिए जाते थे, बाद में दिए थे अचानक। तो कुछ अब क्या होगा? जो सदन का लोग देख रहे हैं, नवीन सिन्हा आ गए तो कुछ जरूर होगा। अंतर आया ना, नवीन सिन्हा को आपने इधर कर दिया, अंतर आ गया ना। तो हम बता दें, इस बार कैबिनेट को लेकर के जो चर्चा, कैबिनेट ये कैसा होगा? कैबिनेट कुछ आपके बाहर से बहुत लोग देख रहे हैं, आशुतोष जी हैं, मुन्ना जी हैं, ये लोग भी बाहर से सक्रिय रहते हैं। तो कैबिनेट में जब राय विचार होता है तो ऐसे लोग जो सक्रिय हैं शहर के, देख रहे हैं आप इधर भी कैमरा घुमाइए, ये लोग जो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, इन लोगों का भी योगदान। के कारण डरते हैं लोग कैबिनेट में आने से, कहीं फिर वही बात? कैसा, ऐसा कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि मुन्नी देवी 6 महीना बनी फाइल नहीं उठा लिया आपके डर से। हम कहां कुछ है, हम तो आपके साथ है। हाँ, हमारे साथ है, लेकिन आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे ज्यादा, इसीलिए कहीं आप फिर उसमें कुछ गलत हो जाए पेन में। नहीं नहीं, हम हमेशा सहयोग करते रहे हैं, इन लोगों का सब सहयोग जो देख रहे हैं कैमरे में आप लोगों को, इन लोगों का सहयोग इधर भले ही है, इधर देख लीजिए, इन लोगों का सहयोग, परस्पर सहयोग, सामूहिक सहयोग, सबका सहयोग रहता है। इस बार लगता है कि कुछ अच्छा काम होगा। इनकी मम्मी है, इनकी पत्नी है, तो ऐसे नहीं चलता है ना, सबके साथ लेकर के चलता है। वहां तो सिर्फ 48 और 50 लोग होंगे, लेकिन उनके पीछे अशोक जी हैं, पीछे ये सब लोग राय देते हैं, उसके बाद तय होता है। हम लोग भी तो जनता की आकांक्षा की ही बात रखें। तो इस बार जनता देख रही है कि मीडिया के भी एक प्रबल लोग चाहोगे, तो इस बार कुछ होगा? कुछ तो कर दिया ना हमको, इधर जावेद अनवर है, ये देखिए, जैसे चाणक्य की बात करते हैं तो अब ये देखिए, ये भी एक नागरिक है। तो ये ऐसे लोग हैं, सब लोगों के सहयोग से चलता है, सब लोगों का सहयोग रहेगा। लेकिन जो भी होगा, बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 के अधीन ही होगा, न बाएं होगा न दाएं होगा। तो आप ब्रीफकेस नहीं लेने दीजिएगा किसी को? अरे, वो वही होगा, और अगर होगा तो फिर बहुत अच्छा बात कह रहे हैं। जो होगा एक्ट कर जाए, अधीन एक्ट के बाहर किसी ने भी प्रयास किया तो बाहर पहरेदार खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, ये लोग भी पहरेदार हैं, और हम तो अंदर के पहरेदार हैं, बाहर में। हमने पहले खबर देखा था, कैबिनेट के बाहर जो एक तैयार हो रहे हैं विपक्ष, वह मजबूत विपक्ष है, और ये विपक्ष निश्चित तौर पर नवीन सिन्हा के पक्ष में सिमट सकता है। और नवीन सिन्हा अगर इसका नेतृत्व किए तो दरभंगा नगर निगम में या तो कुछ बेहतर होगा या फिर हर बात पर ऑब्जेक्शन लगेगा। हालांकि एक प्रश्न होगा, आप नया साल है, बेहतर होगा, सब लोगों का सहयोग रहेगा, बेहतर होगा। लेकिन हम बता दें कि अब वो प्रणाली नहीं चलेगी जो कि ब्रीफकेस प्रणाली होती थी, जो पार्षदों को खुश किया जाता था, वो प्रणाली नहीं होगी। अब निश्चित तौर पर पूरी तरह है, 1 से लेकर 48 वार्ड के विकास के कार्य होंगे। तो देखते रहे मिथिला मंचूरी, क्योंकि हम आपको रखेंगे अपडेट, और हर वार्ड में जाकर के पूछेंगे कि जो पार्षद ने वादा किया था वो पूरा हो रहा है या नहीं। धन्यवाद।